ओम प्रकाश कुशवाहा जी, आज जो शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है, कहीं मिड डे मील के माध्यम से, कहीं कैसे माध्यम से, तो हम इसको कैसे आगे लाएं और एजुकेशन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो बेसिक शिक्षा है जी, जो जीरो क्लास से स्टार्ट होता है, वन क्लास से, उस शिक्षा को मजबूत करना होगा। और जिस पार्टी से मैं हूँ, जिस पार्टी का मैं अध्यक्ष हूँ दिल्ली प्रदेश का, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, अभी शिक्षा मंत्री हैं और बेसिक शिक्षा का ही शिक्षा मंत्री हैं। कहाँ, यूपी में? नहीं, पूरे इंडिया का। अच्छा अच्छा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एचआरडी। अच्छा, वन क्लास से लेके आपका बारहवीं क्लास तक का है और सर के अंदर में आती है, अंडर में पूरे हिंदुस्तान का शिक्षा व्यवस्था। तो सर ने अभी स्पेशली अभी बीच में भी इलाहाबाद शिक्षा सुधारो आंदोलन 15 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में जो 5 लाख लोगों ने समर्थन किया था, कि शिक्षा मंत्री रहते हुए आप शिक्षा सुधारने की बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी पहल है हमारी पार्टी की तरफ से। और अभी हम 30 जनवरी को पूरे बिहार में, स्कूल में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह शिक्षा सुधारो मानव कतार रैली लगा रहे हैं। ओम प्रकाश जी, ये माना जाए, आप इसको मानते हैं कि जो प्राइमरी स्कूल है उसमें मिड डे मील का जो मामला चल रहा है, वो मिड डे मील लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए? देखिए, मिड डे मील तो लागू नहीं होना चाहिए कि बेसिक शिक्षा से सरकार भटक गई है। हम पार्टी के माध्यम से बात उठाना चाहते हैं और अपने शिक्षा मंत्री और जो भी स्टेट का मिनिस्टर है उनसे के बारे में भी उठाना चाहता हूँ कि बेसिक मुद्दा हट चुका है। जो टीचर हमारे हैं जो स्कूल में, वो पढ़ाने के अलावे वहाँ पे खाना पकाना और उसके में लगा हुआ रहता है, जो कि बेसिक शिक्षा ख़त्म हो चुका है। लेकिन कुशवाहा जी, आप मानते हैं कि जब बच्चा स्कूल में जाता है वो एक कटोरा उसके हाथ में होता है और वो भीख मांगने का ही काम करता है, तो इस तरीके की जो परंपरा है ये प्राइमरी लेवल से हटा देनी चाहिए क्या? बिल्कुल हटा देना चाहिए। और मैं पार्टी की तरफ से और दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के नाते मैं मांग भी करता हूँ कि इस चीज़ को हटाना चाहिए। आप उस व्यक्ति को, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है, उसको आप मजबूत कीजिए, न कि आप स्कूल में खाना बनाने पकाने काम शुरू कीजिए, उसे शिक्षा अच्छी नहीं होगी और बर्बादी होगी।